रेडी फाइव सेकेंड स्टार्ट दिस सर्विस विल रेड्यूस द प्रेजेंट रोड डिस्टेंस ऑफ थ्री सेवेंटी फाइव किलोमीटर्स बिटवीन घोगा एंड हजीरा टू ओनली नाइन्टी किलोमीटर्स थ्रू द सी इट विल नाउ टेक ओनली थ्री टू फोर आवर्स To cover the distance which earlier used to take 10 to 12 hours. This will not only save time but will also reduce your expenses. Moreover, the less traffic on road will also help in reducing pollution. As it has been told here, the figure is very huge that about 80,000 passenger cars एंड ऑलमोस्ट थर्टी थाउजेंड ट्रक्स विल बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस न्यू सर्विस इन एयर इमेजिन द सेविंग ऑन पेट्रोल एंड डीजल अबव ऑल द कनेक्टिविटी ऑफ सौराष्ट्र विद ए लार्ज बिजनेस सेंटर इन गुजरात इज गोइंग टू चेंज द लाइफ ऑफ द रीजियन नाउ इट विल बी मच इजियर फॉर द फार्मर्स एंड हर्डर्स ऑफ सौराष्ट्र टू ट्रांसपोर्ट फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड मिल्क टू सूरत डेमेज इज कोज टू फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड मिल्क ड्यू टू द लॉन्ग जर्नी बाय रोड नाउ द प्रोड्यूस ऑफ हर्डर्स एंड फार्मर्स विल रीच द मार्केट फास्टर एंड सेफली थ्रू द मेरी टाइम रूट सिमिलरली The commute and transportation will be much easier and cheaper for the trader and worker friends. It was not that easy many people have labored for the development of facilities like Ropax Ferry Service. There were many problems and challenges in developing this facility. I am associated with these projects. फ्रॉम अर्ली डेज एंड दे आर फॉर आई एम अवेयर ऑफ ऑल द प्रोबाइम्स दे आर यूज टू बी डाउटीव दिस वॉज ए न्यू एक्सपीरियंस फॉर अस इन गुजरात दे आर फॉर एवरीबडी हु फॉर दिस डिजर्व कमेंडेशन आई ऑफर माई ग्रेटिट्यूड स्पेशली टू ऑल द इंजीनियर्स एंड वर्कर्स हुस टू रियलाइज दिस ड्रीम इट इज बिकॉज ऑफ द हार्डवर्क एंड करेज विच हैज रिजल्टेड इन दिस फैसिलिटी एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर लाक्स ऑफ गुजरातीज गुजरात हैज ए रिच हेरिटेज ऑफ मैरिटाइम ट्रेड मनसुख भाई वॉज जस्ट इन्फॉर्मिंग अस हाउ वी आर कनेक्टेड To maritime trade thousands of years ago. It is a matter of pride for every Gujarati the way Gujarat has realized its maritime potential in the last two decades and gave priority to port led development. During this time, special attention has been given to infrastructure in coastal areas of Gujarat. एंड अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रायोरिटी हैज बीन गिवन टू डेवलपमेंट ऑफ एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर बी इट द स्टेट सिप बिल्डिंग पॉलिसी और द डेवलपमेंट ऑफ शिप बिल्डिंग पार्क और द स्पेसलाइज्ड टर्मिनल्स फॉर एग्जाम्पल सॉलिड कार्गो कैमिकल एंड एल एन जी टर्मिनल इन द हेज एंड कोल टर्मिनल इन मुंड्रा alongside, we have encouraged vessels traffic management system and groundbreaking connectivity project. with these initiatives, the port sector in gujarat has got a new direction. efforts have been made to make the life of people living around the ports easier besides developing physical infrastructure of ports. वी हैव फोकस्ड ऑन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ द कोस्टल एरिया बी इट द सागर खेडू स्कीम ऑन मिशन मोड और टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल यूथ बाय डेवलपिंग दियर स्किल्स देयर हैज बीन ए ह्यूज स्कोप फॉर पोर्टलैंड डेवलपमेंट इन गुजरात द गवर्नमेंट हैज एंश्योर्ड The development of all kinds of infrastructure in the coastal area. It is the result of such efforts that Gujarat has been established today as a sea gate of India in a way. Gateway is being built, the gateway of prosperity. Over the last two decades, a unique model of integrated port has evolved from traditional port operations in Gujarat. This model has been developed as a benchmark today. Today, Mundra is India's largest multipurpose port and Sikka is the largest captive port. The result of these efforts is that the ports of Gujarat have emerged as major maritime centers of the country. लास्ट ईयर गुजरात अकाउंटेड फॉर मोर देन फोर्टी परसेंट ऑफ द कंट्रीज टोटल मैरिटाइम ट्रेड आई एम टेलिंग दिस टू द पीपल ऑफ गुजरात पर फर्स्ट टाइम टूडे वर्क ऑन मैरिटाइम बिजनेस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन गुजरात इज गोइंग इन फुल स्विंग मैनी फैसिलिटीज आर गेटिंग रेडी इन गुजरात लाइक गुजरात मैरिटाइम क्लस्टर गुजरात मैरिटाइम यूनिवर्सिटी एंड द कंट्रीज फर्स्ट सी एन जी टर्मिनल एट भावनगर गुजरात मैरिटाइम क्लस्टर पोर्ट्स टू बी बिल्ड इन जी आई एफ टी सि विल बी ए डेडिकेटेड सिस्टम टू एड्रेस पोर्ट्स टू सी बेस्ड लॉजिस्टिक्स डीज क्लस्टर्स विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग The cooperation between the government industry and educational institutions and will also help in value addition in this sector. In the recent past, India's first chemical terminal was established. In Dahesh, the first LNG terminal was established. Now, India's first CNG terminal is going to be installed. एट भावनगर पोर्ट इन एडिशन फेसिलिटीज लाइक रो रो टर्मिनल एट भावनगर पोर्ट लिक्विड कार्गो टर्मिनल एंड ए न्यू कंटेनर टर्मिनल आर बींग प्रिपेयर्ड विद द एडिशन ऑफ दीज न्यू टर्मिनल्स द कैपेसिटी ऑफ भावनगर पोर्ट विल इंक्रीज मैनिफोल्ड द गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट्स टू रिस्टार्ट द फैरी सर्विस बिटवीन घोगा दाहेज वेरी सून मैनी नेचुरल चैलेंजेस टेक्नोलॉजी आई एम होपफुल दैट पीपल ऑफ घोगा एंड दाहेज विल सून बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस फैसिलिटी अगेन गुजरात मैरिटाइम यूनिवर्सिटी इज ए बिग सेंटर For getting trained manpower and experts for maritime trade. This is the country's first institute to provide professional education for the needs associated with this sector. Today, this university provides opportunities to pursue maritime law and international trade law and also MBA in maritime management, shipping and logistics. Apart from the university work is also going on to build the first national museum to preserve the country's maritime heritage in Lothal as was briefly explained by Mansukh Bhai.